कांग्रेस की गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी पर सीआरपीएफ ने दिया जवाब, कहा राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार तोड़े सुरक्षा के नियम, दिल्ली में हुई थी राहुल की सुरक्षा में चूक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के कफ सिरप वाले बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक, जयराम रमेश ने कहा था जानलेवा लगता है मेड इन इंडिया कफ सिरप। यूपी में गरमाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, सपा प्रमुख अखिलेश बोले ओबीसी और अन्य समाज का आरक्षण छीनकर गुलाम बनाने की कोशिश। सांसद संजय राउत ने सीएम शिंदे के बयान पर किया पलटवार, कहा उद्धव ठाकरे की चर्चा तो पुतिन, बाइडेन और चार्ल्स भी कर रहे हैं, शिंदे ने कहा था बिल क्लिंटन ने की उनकी चर्चा। हिमाचल में पर्यटक को ना हो परेशानी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों की लगी भीड़। पंजाब में बढ़ाई गई सुरक्षा, नए साल पर पुलिस थाने या सरकारी बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं आतंकी। एनआईए ने प्रतिबंध संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं को बनाया निशाना, आज केरल में 56 स्थानों पर जारी छापेमारी। पीएम मोदी की मां हीराबा की तबियत में सुधार, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर अलर्ट पर भारत, दिल्ली में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने, जनवरी में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, विदेशी यात्रियों के लिए जरूरी हो सकती है RT-PCR जांच। रूस ने यूक्रेन पर 120 मिसाइलें दागी, राजधानी कीव समेत 7 शहर धमाकों से दहले, यूक्रेन ने लोगों से शेल्टरों में जाने की अपील। साउथ अफ्रीका में नस्लभेद का बड़ा मामला आया सामने, 2 अश्वेत नाबालिकों को व्हाइट यानी श्वेत लोगों के लिए बनाए गए स्विमिंग पूल में तैरने पर पीटा गया, घटना का वीडियो हुआ वायरल। उज्बेकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोप, बोला इंडियन कफ सिरप से 18 बच्चों की गई जान, बिना डॉक्टरी सलाह के दिया गया था कफ सिरप। तालिबान पर आग बबूला हुआ अमेरिका, कहा एनजीओ में कार्यरत महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना खतरनाक, जल्द वापस लें अपना आदेश। कंबोडिया में होटल में लगी आग, 10 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा अभी भी फंसे, खिड़की से कूदकर जान बचाते दिखे लोग। ICICI लोन फ्रॉड मामले में पूर्व MD चंदा कोचर, उनके पति दीपक सहित 3 आरोपियों की कस्टडी 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। रिलायंस फैमिली डे फंक्शन 2022 में बोले मुकेश अंबानी, गरीबी के दौर से बाहर निकलने को तैयार देश, 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को पारी से हराया, 17 साल बाद घरेलू सीरीज जीती, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत की राह हुई आसान। 2 हफ्ते में अवतार 2 ने कमाए 4200 करोड़ रुपए, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त प्रदर्शन, ब्रह्मास्त्र के लाइफ टाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे। राजस्थान में छुट्टियां मना रहे हैं विक्की कौशल और कटरीना कैफ, कैट जंगल के नजारों का उठा रही लुफ्त, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें।